भाई अभी बज रहे हैं दिन के 12। हम उठे ही 10 बजे, फिर तैयार व्यार हुए, आराम से खाना वाना खाया, और बज रहे हैं 12 और चल रही है लू। बिल्कुल गर्मी, भवकती हुई गर्मी हो रही है अभी 12 बजे दिन के। और हम अभी जा रहे हैं ट्रेन स्टेशन बुलेट ट्रेन की टिकट बुक करने नेक्स्ट सिटी के लिए, क्योंकि पहले करनी पड़ती है, कई बार मिलती नहीं है यहाँ पे। भाई ने गाने चला दिए यार बहुत तेज तेज, भाई चाहता नहीं हम व्लॉग बनाए, कह रहा है कॉपीराइट मरवाऊंगा मैं। तो यहाँ पे हम बैठे हैं भाई आफ्रोसियाब की टिकट खरीदने के लिए। इस काउंटर पे तो लिखा है वो कोने में आफ्रोसियाब, उन दोनों पे लिखा नहीं है, तो शायद यहीं से मिलेगी हमको टिकट। कौन सी ऐप है जिसमें आप देखते हो? ये अपनी है यूजेड रेलवे। अच्छा, उज़्बेकिस्तान रेलवे मतलब। तो मतलब वही टिकट हमको ये दे रहा है बंदा 950 वाली कल की, पर थोड़ी महंगी मिलेगी हमको। ऑनलाइन 71,000 की थी, ये 74 की दी जाएगी, 3-4,000 तीन इसका कमीशन है। कल उसने गलत नहीं दिया। तो ये भाई ये पासपोर्ट लाना बहुत ज़रूरी है, पासपोर्ट के बिना 1 टिकट 6,000 ज़्यादा लगेगा ना, है ना? 6,000 ज़्यादा, 1,54,000। ठीक है, तो टिकट हमको मिल गई है, पर इस बार क्या हुआ ना, कोच नंबर तो सेम है हमारा, पर सीट नंबर अलग है। 29 है पाजी की, 7 है मेरी, तो देख लेंगे किसी से एक्सचेंज करवा लेंगे, तो कर देगा बंदा एक्सचेंज ना। ऐसी टिकट होती है इनकी पुरानी सी, 77,000 की पड़ी है एक टिकट, मतलब 6-12,000 रुपये, मतलब बंदे ने हमसे 80-90 रुपये ज़्यादा दिया। हाँ, एक टिकट में 40 रुपये कमीशन देता है, ऑनलाइन नहीं देता। तो ये मेरे पीछे आप देख रहे हो समारगन का स्टेशन, और ये के को क्यू लिखते हैं, मतलब ठीक है। या गो गो गो। तो भाई अभी यहाँ से टिकट ले ली, कल यहीं पे आना है 9:20। देखो सोवियत टाइप की बिल्डिंग। ये हम आ गए एक और जगह जो मतलब एक टूरिस्ट प्लेस है, शाह ई जिंदा। तो यहाँ पे भी भाई मतलब ऐसी आर्किटेक्चर है, ब्लू, डार्क ब्लू वाली। तो आ जाओ भाई एंट्री करते हैं, और यहाँ पे टिकट फिर होगी 25-30,000 की तो पक्का, कम से कम अभी तक तो मांगी थी। कितने की आवाजी? अच्छा, उज़्बेकिस्तान में 3,000, नेबर कंट्री 10,000, फॉरेन सिटीजन 20,000। तो यहाँ पे एक तीन तरह की टिकट होती है भाई, एक होती है उज़्बेकिस्तान वालों के लिए जो कि है सिर्फ 3,000 की, और नेबर कंट्रीज़ वो है 10,000 की, और फॉरेन कंट्री वो है 20,000 की। तो पाजी टिकट लेते हुए कहते उससे इंडिया नो नेबर कंट्री, कहती नो नो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान कहती, तो इंडिया नेबर कंट्री नहीं है भाई इनकी। भाई साहब ये देखो दोनों तरफ पाजी नीला नीला गली सी है यहाँ पे पूरी। देखो यहाँ से हमने एंट्री करी थी, और ये सारे नीले नीले आने लग गए भाई, इस तरफ भी। ठीक है, कई खुले हैं, ये खुला है, अरे ये भी खुला है, इसमें भी कब्रें हैं भाई, और कुछ नहीं है। ये बिल्कुल मतलब सफ़ेद है, दूसरे वाला अच्छा है। अच्छा भाजी आगे तक चलते हैं, फिर आते हैं वापस। ये बेस्ट प्लेस है भाई फ़ोटो खिंचवाने की, इंस्टा पे देख सकते हो। यहाँ पे कोई बंदा बैठ जाए आपका, और यहाँ पे आप बैठ जाओगे तो पूरा आएगा ऊपर तक मस्त फ़ोटो। देखो भाई ये है शोदी, बिल्ट इन 1372, वन ऑफ द मोस्ट फेमस ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, बिल्ट इन ऑनर ऑफ तैमूर सिस्टर एंड हर डॉटर, तैमूर की बहन और उसकी बेटी के लिए बनाई गई थी वही बिल्डिंग। ओ भाई अंदर से देखो, मतलब वो आपने देखा था इसके साइड वाला कैसा था, मतलब बिल्कुल सफ़ेद, उस पर कब्र थी, ठीक है, मतलब कुछ डेकोरेशन नहीं थी। ये देखो भाई चारों तरफ डेकोरेशन्स, छत तक डेकोरेशन्स। इसको कहते हैं भाई कोई इम्पोर्टेंट बंदा होता है तो ऐसे दफनाया जाता है भाई। गेट देखो कितने पुराने होंगे, सामने का पढ़ते हैं, तो चलो उसकी हिस्ट्री देखते हैं क्या है, इंटरेस्टिंग। ये ज़्यादा अच्छा इंग्लिश में लिखा है, built by Tamur at the end of 14th century for his sister shrine Behuka। ठीक है, ये भी उसकी बहन के लिए है तैमूर की। ये भी देखो पूरा डेकोरेटेड सफ़ेद, गोल्ड, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू। वो भाई साहब यहाँ पे सिर्फ एक ही कब्र है, ये पता नहीं, नहीं एक नहीं है, एक
दो तीन, और यहाँ पे लोग पैसे वैसे भी रख के जाते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको, देखो ये बहुत पुराना नोट है भाई यहाँ का 500 का, ये अब नहीं चलता। इसका देखो भाई नाम है अननोन कब्र, द बेरिड पर्सन इज अननोन, आज तक नहीं पता भाई यहाँ पे कौन बेरिड है भाई इस कब्र में। और डेकोरेटेड है भाई, मतलब कोई इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं था जो कि इतनी डेकोरेट करी गई है कब्र मतलब। पर ये अंदर से देख लो बिल्कुल, मतलब तैमूर का कोई खास होता तो भाई पूरा अंदर से डेकोरेट करवा देता वो भाई। वो अननोन कब्र थी ना, तो उसके बाहर लिखा था कम से कम कि भाई अननोन कब्र है। यहाँ पे बोर्ड भी नहीं लगा रखा, पाजी क्या कह रहे थे? मैंने कहा यार उसके बाहर बोर्ड लगा रखा है तो उसका मतलब है कि भाई वहाँ पे कोई है बंदा, और इसका पता नहीं है बंदा है भी है नहीं है, इसलिए इन्होंने ईंटें लगा दी, कोई बोर्ड नहीं है। और आप ये देखोगे ना जैसे ये है ठीक है, ये कुछ बना होगा मतलब खाली जगह है, पर यहाँ पे वो खोल दे सोविनियर शॉप, तो मेरे को बड़ा अजीब लगा यार। मतलब इतनी पुरानी अच्छी बिल्डिंग में तुमने सोविनियर शॉप खोल दिया। कल हम रेगिस्तान स्क्वायर पे गए थे, वहाँ पे पूरे सोविनियर शॉप मतलब प्रिजर्व नहीं किया, तो टाइल्स कैसे प्रिजर्व रहेंगी भाई सोविनियर शॉप खोल दोगे तो। अमंग द बिल्डिंग्स ऑफ द दिस इज द मोस्ट डिफरेंट ज्योमेट्रिक फ्रॉम आर्किटेक्ट अनिंग, ठीक है भाई इसकी थोड़ी डिफरेंट आर्किटेक्चर है ये कह रहे हैं। ओ भाई पाजी कैसे ऊपर भूतिया लग रहा है पाजी, ये तो अननोन मोज़ेलियम, मोज़ेलियम ही बोलते होंगे शायद यार। नंबर टू, पहला आपको दिखाया था बिल्ट इन सेकेंड हाफ, एंट्रेंस पोर्टल इज प्रिजर्व, मतलब एंट्रेंस तो ठीक ठाक है, और मतलब ब्लू कलर की, और अंदर डेकोरेशन बिल्कुल नहीं है जैसे आपने पहले कब्र में देखा और कईयों में देखा, क्योंकि ये किसी खास बंदे की नहीं है भाई। देखो भाई इतना तो श्रीगार मेरे को नहीं पता, पर जो मोहम्मद थे प्रॉफेट मोहम्मद, उन्होंने कहा था कुसुम इबन अब्बास, ये जो बंदा है ये किसी और बंदे से बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि मेरी तरह दिखता है, मेरी तरह कैरेक्टर है और मेरी तरह दिखता है, तो ये शायद उनकी कब्र होगी शायद। द गेट मेड इन द डोर्स टू पैराडाइज, जन्नत के दरवाजे बाजी, द डोर्स टू पैराडाइज आर ओपन टू द फेथफुल, मतलब अरे मतलब जन्नत के दरवाजे ईमानदार मतलब फेथफुल मतलब वो होता है ना जिस पे ट्रस्ट कर सकते हैं उनके लिए खुले हैं। तो अभी थोड़ा पता चला कुसुम इबन अब्बास ये जो प्रॉफेट मोहम्मद थे इनके कज़न और क्लोज एसोसिएट माने जाते हैं, और ही वॉज द फर्स्ट मिशनरीज ऑफ इस्लामिक रिलीजन इन सेंट्रल एशिया, मतलब सेंट्रल एशिया के मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट रिलीजियस मैन कुसुम इबन अब्बास को लोग मानते होंगे। मेरे को तो भाई आज ही पता चला मैं इतना रिलीजियस बंदा हूँ नहीं। और ये है इनका कॉम्प्लेक्स, यहाँ रिकॉर्डिंग अलाउड तो नहीं है पर ठीक है अपना कर लिया। देखो पूरा डेकोरेटेड भाई, और यहाँ एसी भी लगा रखा है। मैं कह रहा ठंडा कैसे है ये कमरा, पता चला ये एसी लगा रखा है। तो भाई ये देखो ये हैं एंड की तीन बिल्डिंग्स, ये डार्क ब्लू लाइट ब्लू और ये दोनों मतलब ये भी लाइट ब्लू ही मान। तो ये था शाही जिंदा कॉम्प्लेक्स, वहाँ से हम आए थे और वहाँ पे उसका एंड है, और यहाँ पे थी भाई इम्पोर्टेंट मतलब आमिर तैमूर के इम्पोर्टेंट लोगों की कब्रें, ठीक था अच्छा फोटोग्राफी प्लेस अच्छी है ये। और अगर आप मतलब मुस्लिम हो तो रिलीजियस में बिलीव करते हो तो यहाँ पे मतलब जो प्रॉफेट मोहम्मद के कज़न थे, अब नाम भूल गया मैं क्या था, कुसुम इबन अब्बास ऐसा था ना, हाँ तो उनकी भी आप विजिट कर सकते हो, ग्रेव यहीं पे थी। नया दिन, अब टैक्सी कहाँ से मिलेगी, नया दिन नई शुरुआत भाई, शुरुआत तो पुरानी है खैर। टिकट हम कल ही ले आए थे और अब हमको जाना है बुलेट ट्रेन के स्टेशन पे, मतलब स्टेशन पे जाना है। सुबह के बज रहे हैं 9:15, नहीं नहीं भरी है बाजी ये तो, हाँ अरे वो खाली लग रही थी, वो भी भरी है। रेड कितनी देर की रेड बची है, 22 ऐसी लेनी पड़ेगी। तो टैक्सी वाले आ जाओ, नहीं ये भी चला गया, ग्रीन लाइट देख के जा रहे हैं। कोई रुकेगा बाजी, सिर फूट गया मेरा टैक्सी में, सिर लग गया मेरा। देखते हैं हमने अभी तक 20,000 दिए हैं वहाँ तक जाने के, ये कितना कह रहे थे पाजी, 10-10 ज़्यादा 5-5 चलो देखते हैं।
नहीं चेंज करने भाई, टाइम रह गया सिर्फ 9 मिनट ट्रेन को और हम अभी भी टैक्सी में हैं। किस्मत है फिर रेड हो गई लाइट, किस्मत इतनी बेकार है ना भाई, एक भी लाइट ग्रीन नहीं मिली है सारी। और ऐसा होगा जब आप जब आप लेट होंगे लाइट रेड होगी, कुछ भी हो जाए। आ गया यार सामने ट्रेन स्टेशन। तो आज पहले ना बैग में से पासपोर्ट और टिकट निकाल लेना है ना, जल्दी जल्दी दिखाते दिखाते चलेंगे उसको ना। ये देख अपने आप देखता रहे हम जा रहे हैं, पीछे पकड़ा देना मेरी सीट नंबर देख के हमें पकड़ा देना चक्कर में। यार ऐसा ना होता बुलेट ट्रेन की 5-7 मिनट पहले बंद हो जाती हो। ट्रेन तो मिल जाएगी हमको ग्रीन 5 सेकंड की, क्यों करते 5-10 सेकंड की? अरे कहाँ मोड़ रहा है ये, इधर इधर ही है अबे ट्रेन स्टेशन सामने। यार ये ड्राइवर हमको बहुत चाना मिल गया यार आज, सबके लिए इसने गाड़ी रोकी है, सारी लाइट रेड मिली है। 8-7 मिनट रह गए, जल्दी चले भाजी, भागते भागते है ना, भागने पे ही फर्क पड़ जाएगा 1 मिनट देखो 2 मिनट का। अरे यार देखो इसने फिर रोक ली, मेरे पास पड़े हैं मैंने निकाल के रख रखे हैं अलग से, आप पर्स मत निकालो अभी, ये तो 10,000 डिजर्व करता है, पकड़ देना इसको आपने बात करी। अरे भाई यार यहाँ रोक दी इसने, इतनी दूर पैदल जाएंगे अब। अरे रोक दो रोज है, प्याज मिनट ट्रेन। अबे यार बाजी सेती लो चलो चलो भागो। ओ भाई पाजी 2.5 मिनट हो गए रिकॉर्ड होते होते, हमको 9 मिनट पहुंचना है। अरे यार निकाल लिया आपने ये टिकट। ओके थैंक यू। Yes sir. 5 मिनट हो गए पहुंच गए, बाद में मेरे बैग बोर्ड पर ऐसी बस अपने हमसे सिक्योरिटी से लेकर टिकट चेक वाले ने क्या पूछा, जल्दी करो जल्दी करो। तो भाई ट्रेन जो है ना 9:49 पे चल चुकी है, तो ये थोड़े उल्टी जा रही है यार, देखो पता चलेगा आपको उल्टे जा रहे हैं हम। तो ये थोड़ा टाइम के ऐसे ही है भाई, कच्चे पक्के से ही, मतलब 1-2 मिनट ऊपर नीचे इनका चलता है, 9:49 पे चल गए। अच्छा वो हम आ गए जल्दी, 50 तक सोच के चलते तो छुट्टी जानी थी। तो ये आ गई है ट्रेन, इसमें से कुछ भी ले लो बाकी बाजी, कुछ भी फ्री है सब कुछ, पता नहीं क्या है। कितने का है पूछो, इतना तो एक ही बंदा पी जाएगा। अरे मेरे को खुले पड़े हैं आज, क्या करते हो
और कुछ नहीं है इसका, चिप्स ढंग के नहीं है यार, ना 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 चिप्स अच्छे नहीं है, बिल्कुल एयरोप्लेन जैसी काटती है ना। ये सैंडविच लिया चिकन वाला 10,000 में, अरे पाजी के ये 15,000 के। तो अभी हम रेस्टोरेंट कार में गए थे, तो वहाँ पे पाजी रिकॉर्ड कर रहे थे वीडियो, तो पाजी ने मना कर दिया कि भाई हमको रिकॉर्ड मत करो, 4-5 जने खड़े थे वहाँ पे। फिर अगर मतलब पाजी ने ट्रेन वालों से पूछा कि भाई आप रिकॉर्ड कर सकते हो मैं रेस्टोरेंट कार को, तो उन्होंने भी काम मना, अब कोई कहे पूछता है तो मना ही करता है अगला बंदा कि नहीं कर सकते रिकॉर्ड। तो फिर रेस्टोरेंट कार की तुमने ऐसे खास वीडियो बनाई थी, अभी शायद फ्री का खाना भी मिलेगा, हम वहाँ देख रहे थे बंदा पैक कर रहा था, इतने सारे बहुत खरीदे क्या कभी, तो फ्री का ही है भाई पक्का, टिकट में ऐड है यह सबको देना ही नहीं। तो हम फटाफट खा के हम सीट पे आ गए कि मिसी ना हो जाए हमारा फ्री वाला खाना। हम खो चुके हैं 44 मिनट चले गए, 45 मिनट तो आधे से ज़्यादा सफ़र हो गया थे। ये है भाई उस पे की बुलेट ट्रेन की टॉयलेट, ये बच्चा रखने का, ये हाथ धोने का, और बड़ी बड़ी गंदी बदबू आ रही है भाई, किसी ने फ्लश नहीं किया था बहन। उफ उफ उफ, ये हाथ धोने का, ओहो ऑटोमेटिक पानी भाई, ये साबुन का होगा, साबुन भी है भाई, मतलब खर्चा तो किया इन्होंने पूरी बुलेट ट्रेन पे। चल जा, ठीक है ये टॉयलेट है। टिश्यूज़ कहाँ से निकलेंगे? हाँ टिश्यूज़ हैं पर पता नहीं भाई हैं पर निकल नहीं रहे हैं, निकल जा, हाँ निकल गए, पर ऐसे मतलब अच्छा नहीं है मशीन ये वाली टिश्यूज़ की, पर ठीक है अपने 1.5 घंटे की राइड में कौन क्या ही करेगा। यहाँ सारा बैग रखने का सिस्टम है, यहाँ पाजी बैठ के कंडक्टर की तरह लिखा भी है इकोनॉमी, ये गरीबों वाली क्लास इकोनॉमी, बिजनेस क्लास अलग। हाँ तो भाई अभी एक स्टेशन आया है, शायद एक ही स्टेशन आता होगा बीच में बुलेट ट्रेन का, बंदे उतर गए हैं यहाँ पे, और मैं कह रहा भाई फ्री का खाना आया नहीं अभी तक, तो पाजी कह रहे हमको ही देगा क्योंकि हमने लंबा सफ़र किया है, तो आगे कहेगा लो जी आपके लिए खाना, लंबा सफ़र करने के लिए धन्यवाद। अभी बचे हैं 11:20 पे पहुँचेगी, आधा घंटा और बचा है। अभी तक हरा हरा चल रहा था, मैं कह रहा पाजी पता नहीं कैसा देश है यार ये, गूगल मैप पे तो रेगिस्तान दिखता है, यहाँ हरा चल रहा है, पर अब धीरे धीरे देखो रेगिस्तान में तब्दील होना शुरू हो गया है। हम जिस बेल्ट में ट्रैवल कर रहे हैं ना, ताशकंद समरकंद फिर बुखारा फिर उसके आगे जाएंगे, वो सारी ग्रीन बेल्ट है इनकी, मतलब वहाँ पे सारा हरियाली है, वहाँ पे सब कुछ चलता है कल्टीवेशन वगैरह, पर अब यहाँ पे आ गया है रेगिस्तान। आज ही पूरी ट्रेन में स्पीड का मीटर ढूंढते रह गए कि स्पीड कहाँ लिखी है, स्पीड कहाँ लिखी है, हमारे पीछे लिखी थी भाई। यहाँ अभी 0 किलोमीटर 40 डिग्री है पाजी, पाजी कह रहे स्पीड तो लिखी नहीं, ये क्या बकवास दिखा रहे हो टीवी पे। अरे वो रशिया वाली में वहाँ पे दिखाता है ना, और यहाँ दोनों साइड दिखाता है, मैंने यहाँ ध्यान, और ये देखो कितना छुपा के लगाया है, लगा थोड़ा ना इसे बड़ा थोड़ा, अभी देखो ट्रेन की शक्ल आने की, अच्छा बाहर चल के दिखाते हैं ट्रेन की शक्ल। तो बाजी ये तो मतलब कट गया हमारा, हम तब से स्पीड देखने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ लिखी है अरे भाई पहुँच गए भाई, 5 मिनट लेट पाजी, 5 या 4 मिनट लेट, ना ना अभी नहीं उतरे। ये है बुखारा का वक्साल, अबे भाई ये क्या लिखा है बुक सोरो, हाँ वही है, ये है भाई इनकी बुलेट ट्रेन का नाम आफ्रोसियाब, और इसकी मुंह शक्ल बहुत अलग है यार जापान वाली से ना, बहुत अलग शक्ल है इस ट्रेन की, इसका चोंच बड़ी छोटी है जापान वाली की, तो भाई इससे 3-4 गुना बड़ी चोंच है। तो गाड़ी की विंडशील्ड पे जैसे वो मरते हैं ना मच्छर, इस पे कबूतर ही मर गया पूरे का पूरा, ये है पूरी 7-8 डिब्बे हैं बस इस, 5-6-7-8 डिब्बे हैं और 8 डिब्बे हैं और 2 ये इंजन है इसमें। अब उस तरफ चली जाए, ओ भाई बड़ी लू चल रही है भाई, यहाँ तो 11:30 बजे बिल्कुल मतलब 40-42 डिग्री वाला हाल हो गया भाई, ओहो अरे भाई। तो मेरे कल मैंने ना एक बार इंस्टाग्राम पे वो डाला था,
कि भाई यहाँ पे उज़्बेकिस्तान में बुलेट ट्रेन है, तो मतलब एक दो बंदों ने रिप्लाई किया था कि भाई चाइना ने दी होगी, चाइना वाली है क्या। तो भाई चाइना ने दी हो, साउथ कोरिया ने दी हो, जापान ने दी हो, रशिया ने दी हो, चाइना ने खुद बनाई हो भाई, इनके पास बुलेट ट्रेन है। और अराउंड पूरा सफ़र इनका बुलेट ट्रेन का कुछ ताशकंद से बुखारा तक चलती है। बीच में एक स्टॉप तो अभी आया था, और ताशकंद से समारकंद के बीच में शायद एक दो स्टॉप और आते होंगे। चार पांच स्टेशन है बस इनके पास बुलेट ट्रेन के, मालगाड़ी भी है। तो कहीं से भी लाए हो भाई ये बुलेट ट्रेन पर, ये बुलेट ट्रेन लेके आ गए हैं और इन्होंने चला दिया भाई। और खूब तेज़ चलती है भाई, ऐसा नहीं है स्लो चलती है, खूब तेज़ चलती है भाई। स्पीड का अगर दीपांशु यूज़ करता है बुलेट ट्रेन का तो मैं पूछूंगा उससे कि कितने की स्पीड पे चलती है, और मैं नीचे डाल दूंगा। यार हमको तो पता ही नहीं चला कहाँ लिखा था, और सुबह लेट हो गए थे। स्पीडोमीटर वाला ऐप तो डाउनलोड करना था मेरे को, पर मैं भूल गया। इस हॉस्टल तो ये जो ट्रेन स्टेशन है ना बुलेट का, बुलेट ट्रेन का, ये है बुखारा सिटी से 15 किलोमीटर पहले, एक कगोन नाम की सिटी है। तो यहाँ पे टैक्सी लेके जाना पड़ेगा आपको भाई, इतनी गर्मी में पाजी बस लेने का हमको सेंस नहीं लग रहा है यार, गर्मी बहुत 42-43 डिग्री में। तो मैंने कहा भाई, इसने मांगे 1,00,000 सोम, पर हमने इसको दिए हैं 60,000, मतलब मान 50 में भी जाता, पर हमने कच्चा लिया तो दिमाग मत चाटा।